जी हाँ, आज हम आपको जो सच बताने जा रहे हैं उसे सुनने के बाद शायद आपको इस बात पर यकीन ना हो, लेकिन ये बिल्कुल सच है। सलमान खान अपने दोनों भाइयों से अब अलग तौर तरीके से नजर आएंगे। जैसा कि आप भी जानते हैं कि दबंग 3 सलमान खान के बैनर तले बनने वाली है, ये खबर आ चुकी है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो अब बिजनेस तौर तरीके से सलमान खान फिल्म प्रोडक्शन के तौर पर अंदर बनने वाली फिल्म दबंग 3 को रखा जा रहा है। एसके फिल्म ऑफिशियल की तरफ से ये खबर भी आई है कि अब इस मूवी को इसी बैनर के अंदर बनाया जाएगा, यानी कि अरबाज खान और सोहेल खान जो कि इसे प्रोड्यूस करेंगे, इस बारे में तो जानकारी मिली। लेकिन सलमान खान इस फिल्म के साथ जिस फिल्म को लेकर चर्चा में है वो है भारत। खबरें आई है कि बिजनेस तौर तरीके से अब भाइयों से काम करेंगे सलमान खान। वो आप भी जानते हैं कि अरबाज खान इस फिल्म को शुरुआत से प्रोड्यूस कर दिया है। पहले और दूसरे सीक्वल को भी सलमान खान के भाई ने प्रोड्यूस किया। इसके अलावा सोहेल खान अपने प्रोडक्शन हाउस के अंदर और भी फिल्में बनाते ही रहते हैं और वो जल्द एक फिल्म में कपिल शर्मा को भी लेकर आने वाले हैं, ऐसी भी खबरें थी। लेकिन इसी बीच अब जो खबर आई है वो ये है कि सलमान खान फिल्म के अंदर जो बनेगी फिल्म दबंग 3, इस बार इनका फिल्म थोड़ा अलग ही हो सकता है। इसमें क्रेडिट सलमान खान को मिल सकता है। दबंग खान की कंपनी जो कि इस फिल्म को बनाने के लिए तैयार है, फैमिली प्रोडक्शन के अंदर ये फिल्म बनने वाली है। अब खान परिवार के लिए बुरी खबर ये है कि इस बार अरबाज और सोहेल फुल टू फ्लैगशिप इसका नहीं ले सकते, यानी कि यहाँ सलमान खान अपने दोनों भाइयों से अलग हटकर ना सिर्फ इस फिल्म में लीड रोल करेंगे बल्कि फाइनेंशियली तौर पर भी इस फिल्म में अपना हिस्सा फुल टू लेंगे। अब देखना होगा क्या होने वाला है इस फिल्म के प्रोडक्शन हाउस को लेकर। आगे की खबर में हम आपको बताएंगे कैसे सलमान खान अपने दोनों भाइयों से ना सिर्फ अलग तौर तरीके से काम करने वाले हैं बल्कि इस फिल्म में जिस तरह से अरबाज और सोहेल से बिल्कुल अलग हटकर सलमान खान का रोल रहा है, रियल लाइफ में भी काम को लेकर जिनका बंटवारा अलग तौर तरीके से रहा है, जिनका प्रोफेशन अलग अलग तरीके में उन्हें अलग अलग रास्ते पर जाने के लिए मजबूर करता है, इस बार इन दोनों का साथ बिल्कुल अलग तरीके से होगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से रिपोर्ट।